दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है अपने ही YouTube चैनल DB परफेक्ट न्यूज़ में। जी हाँ दोस्तों, KBC सीजन 13 से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 25 लाख रुपए के प्रश्न का गलत जवाब देकर लौटे कानपुर के आशुतोष। दोस्तों जानिए क्या था सवाल, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में। जुड़े रहिएगा DB परफेक्ट न्यूज़ के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा भीतरगांव के संयुक्त प्रबंधक आशुतोष शुक्ला ने कौन बनेगा करोड़पति KBC में 3.20 लाख रुपए जीते। 25 लाख के एक सवाल का गलत जवाब देकर वह शो से बाहर हो गए। दोस्तों उन्होंने इस यात्रा और अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुलाकात को बता दें कि जिंदगी का सबसे शानदार अनुभव बताया। मूल रूप से प्रतापगढ़ और वर्तमान में लखनऊ के रहने वाले आशुतोष शुक्ला का एक सप्ताह पहले ही भीतरगांव ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले वह मुंबई में नेपियन सी रोड ब्रांच में थे। आशुतोष ने बताया कि उन्होंने मई में KBC में आवेदन किया था। KBC में जाने के लिए पहले एक ऑडिशन होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, उसे पास करने में अगस्त में KBC में बुलाया गया। 8 सितंबर को एपिसोड प्रसारित हुआ। उन्होंने कहा कि KBC में हिस्सा लेना, हॉट सीट पर बैठना और अमिताभ बच्चन से मुलाकात सपने जैसा था, ये शानदार अनुभव था। हालांकि गेम में ज़्यादा आगे न पहुँचने की निराशा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दोस्तों 25 लाख के सवाल पर बाहर हुए उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन ने पूछा कि गाइसाइल ट्रेन दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर किस रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसके जवाब में लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया, जबकि सही जवाब नीतीश कुमार था। 25 लाख रुपए के सवाल का गलत जवाब देने से धनराशि 3.20 लाख बची, सभी लाइफलाइन इस्तेमाल की थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये था छोटा सा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने यार दोस्तों में शेयर करना और रोजाना KBC से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।